फ्रेंड ग्लिंकी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ जिमीकंद, या इसे ओल भी बोलते हैं, या इसे आप ओल कहिए। तो मैं इसकी चटनी बना रही हूँ फ्रेंड। तो मैंने इसे अच्छे से धोकर काट कर उबाल लिया है और मैंने आपको दिखाने के लिए ये टुकड़ा आपको दिखाया है कि ये इस तरह का होता है। तो मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसे बॉयल किया है। तो देखिए, ये बॉयल करके मैंने इसे मैश करके रखा है चटनी के लिए। और हम इसमें जो डालेंगे वो है हरी मिर्च है यहाँ पे। ये देखिए, ये 6-7 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये अदरक है, ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 2.5 इंच ही है, अच्छे से क्रश किया हुआ है। या आप इसे कूट भी सकते हैं, सिलबट्टे पर भी कूट सकते हैं लोटी से। और यहाँ है सरसों का पेस्ट है, ये काला वाला सरसों होता है, काली वाली सरसों है फ्रेंड। ये सरसों की चटनी जो हम खाते हैं वो चटनी नहीं है, पीली वाली, ये काली वाली सरसों से बहुत अच्छी चटनी बनती है उल की। तो ये मैंने इसे पीस लिया है, ये 2 चम्मच है, इस चम्मच से मैंने 2 चम्मच भर कर लिया था और उसी को मैंने पीस लिया है पानी के साथ में। आप चाहे तो इसे ड्राई भी पीस सकते हैं। और यहाँ पर ये सरसों का तेल है। तो देखिए इसे बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे मैश किया हुआ है, ये जिमीकंद ओल। तो पहले हम इसमें डाल देते हैं सरसों, ये काला सरसों है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है चटनी का, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। तो मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है। अब इसमें ये जो हरी मिर्चें हैं, जो तीखी है, ज़्यादा तीखी नहीं, बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, ये जिससे अचार बनाते हैं हम वो वाली है। तो ये तीखी होती है लेकिन बहुत अच्छा लगता है चटनी में। तो मैंने इसे डाला है, 6-7 हरी मिर्चें हैं और ये क्रश किया हुआ अदरक है, हम इसमें डाल देंगे। और हम मिलाएंगे इसमें सूखे मसाले, जो मैं यहाँ पर, ये 1/2 चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, और इसमें मैं थोड़ी सी और डाल दे रही हूँ, इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चटनी का। तो ये लाल वाली मिर्च हमें डालना बहुत ज़रूरी होता है चटनी में। यहाँ फ्रेंड देखिए, ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, तो हम इसमें डाल देंगे। और हम इसमें डालेंगे नमक। तो ये नमक है, मैं यहाँ 1 चम्मच ले रही हूँ और थोड़ी सी और डाल रही हूँ, ये स्वाद के अनुसार नमक जाएगा इसमें। और हम इन सबको एक साथ मिक्स करेंगे। आप चाहे तो आप हाथ की सहायता से भी इसे मिला सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो है ओल है, जो ये इसका वेट है 300 ग्राम। आप चाहे तो इसे कम भी बना सकते हैं और ज़्यादा का भी बना सकते हैं। तो जितना ज़्यादा बनाए उस हिसाब से आप डालें मसाले, अदरक, हरी मिर्चें। तो आपने देखा होगा कि मैंने इसमें जो डाला है वो 300 ग्राम, 350 ग्राम का ये वेट होगा इस ओल का। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर सब मसाले डाले हैं, लाल मिर्ची, अदरक डाले हैं। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो ये सरसों का तेल है, इसमें इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, इसे बहुत हमें ज़्यादा ही डालना होता है और ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड ये तेल हमारी चटनी को 2-3 दिनों तक अच्छा रखता है, जल्दी से चटनी ख़राब नहीं होती है जब हम इसमें ज़्यादा तेल डालकर रखते हैं। तो बहुत ही स्वाद इसका अच्छा होता है सरसों के तेल से। और आप चाहे तो इसे 8-10 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगा। तो पहले हम इसे बनाकर क्या करेंगे, एक कांच के जार में डालेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये कांच का जार है, हम इसी में इस चटनी को डालेंगे और इसमें पानी भी डालेंगे। तो पहले हम इसमें डाल लेते हैं जार में सारे ओल की चटनी को। तो फ्रेंड हम इस चटनी में पानी मिलाएंगे। और मैंने जो इसमें तेल डाला है या सरसों डाला, ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं चटनी में और ये चटनी को जल्दी से ख़राब नहीं होने देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चटनी में मैंने जो पानी डाला है इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें और भी
तेल डालकर अच्छे से, जब तक ये चटनी में ऊपर तक तेल ना आ जाए तब तक हम इसमें तेल अच्छे से डालकर इसे भर कर रखेंगे। और अभी ये सुबह का टाइम है जो मैं अभी चटनी बना रही हूँ, सुबह के टाइम में बहुत अच्छी धूप होती है, तो हम क्या करेंगे इस चटनी को बनाकर धूप में डाल देंगे, तो ये दिन भर धूप में ही पड़ी रहेगी और हम इसे शाम में खाने के लिए यूज कर सकते हैं और आराम से इसे एक सप्ताह खा सकते हैं फ्रिज में रख कर। और बाहर रखेंगे तो ये जल्दी खट्टी हो जाएगी, तो मैंने इसलिए इसमें लेमन जूस नहीं डाला है। तो फ्रेंड देखिए, जो बची हुई तेल थी मैंने इसमें डाल दिया है, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये चटनी कितनी अच्छी लग रही है देखने में और ये बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड ये बनाना तो बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही मज़ा आता है, आप इसे खा सकते हैं पूरी पराठे रोटी चावल सबके साथ में, ये खाने बहुत ही अच्छा लगता है और आप इसे पिट्ठा के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए ये चटनी बनकर तैयार है, हम इसे धूप में डाल देंगे, ये दिन भर धूप में रह के बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाएगा इस चटनी का जब हम इसे धूप में रखते हैं। तो फ्रेंड धूप में रखने से पहले हम इसके कैप को लगा देते हैं और फिर हम धूप में रख देंगे इसे और ये शाम तक खाने के लिए तैयार होगी। अगर आप इंस्टेंट खाना चाहते हैं तो आप इसमें लेमन जूस मिलाकर खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये चटनी हो गई है बनकर तैयार, तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें। Thank you.